हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू बाइंडी टू प्रयागराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या होता है सॉफ्टवेयर। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को यूज करने से क्या क्या बेनिफिट हमको मिलता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम लोग का पहला पॉइंट है स्पीड। कंप्यूटर्स हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म रूटीन टास्क एट अ ग्रेटर स्पीड देन ह्यूमन बींग्स। तो कंप्यूटर के पास वो एबिलिटी, वो क्षमता होती है कि जो आपके रूटीन वाले टास्क होते हैं, जो भी हम उनसे किसी वर्क को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो एज अ ह्यूमन बींग, अगर किसी ह्यूमन से कंपेयर करें तो वो उससे क्या होता है, ज्यादा फास्ट वर्क करता है। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। और कंप्यूटर मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन एक सेकेंड में कर देता है। इट मींस कई सारा कैलकुलेशन वो सेकेंडों में कर देता है। अगर हम इसको कंपेयर करें किसी ह्यूमन बींग से, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी। इट इज यूज टू परफॉर्म टास्क इन अ वे दैट इंश्योर्स एक्यूरेसी। तो वो किसी काम को करता है लेकिन वो भी एक्यूरेसी के साथ। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो 100% एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट है स्टोरेज। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। एनी आइटम ऑफ डेटा और एनी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर एट एनी टाइम इट इज नीडेड। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करके, कितने भी बड़े डेटा को स्टोर करके कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, वो आपको एज इट इज वापिस से रिटर्न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, ऑटोमेटिक होती हैं। ऑटोमेटिक तो होती हैं लेकिन वो वर्क भी परफॉर्म होता है हमारे इंस्ट्रक्शन के बेस पे। इट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क ऑटोमेटिकली। तो काम कैसा भी हो वो उस वर्क को इजीली परफॉर्म कर लेता है। और वहां पे जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है, वहां पे क्या होता है, उस वर्क के अकॉर्डिंग जो उसको इंस्ट्रक्शन मिला है, उस वर्क को वो ऑटोमेटिक उसको परफॉर्म कर देता है। बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट पॉइंट है डिलीजेंस। इट कैन परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटेडली एंड विथ द सेम एक्यूरेसी विदाउट गेटिंग टायर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, डिलीजेंस का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे अगर किसी ह्यूमन बींग को सेम वर्क कई बार दिया जाए, बार बार करने को दिया जाए, तो वो क्या होता है, बोर होने लगता है और वो उस मन से उस वर्क को परफॉर्म नहीं करता जिस मन से वो उस काम को पहली बार कर रहा होता है। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, आपका चाहे वो वर्क सेम टाइप का हो या डिफरेंट टाइप का हो, आप जितनी बार उस वर्क को दोगे वो उसी मन से करेगा और बिना बोर हुए, बिना टायर्ड हुए उस वर्क को ऑटोमेटिक वो करता रहेगा जिस बेस पे जैसा उसको इंस्ट्रक्शन मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब है दे आर फ्लेक्सिबल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टास्क। तो वो चाहे वर्क नॉर्मल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, वो उसको आसानी से परफॉर्म करता है, उसके लिए वो परेशान नहीं होता। अगर किसी इंसान को दे दिया जाए तो वो क्या करता है, जो नॉर्मल वाला वर्क रहता है वो सोचेगा कि इसको पहले कर लूं, जो उससे थोड़ा लेंदी होगा उसको वो बाद में करना पसंद करेगा। लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता, जो वर्क उसको पहले मिला है उसको पहले परफॉर्म करेगा, जो उसके बाद मिला है उसको उसको बाद में परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कंप्यूटर के आ जाने से कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड ह्यूमन एफर्ट देयर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो ये क्या किया है, पेपर वर्क को रिमूव किया है, रिड्यूस किया है और ह्यूमन एफर्ट को भी रिड्यूस किया है। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, कई सारे लोगों का काम एक कंप्यूटर कर देता है। तो इसी बेस पे हम लोग इसको क्या कहते हैं कि कंप्यूटर के आ जाने से कॉस्ट भी इफेक्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, अब कुछ प्रॉफिट है तो कुछ लॉस भी है। तो लॉस तो सबसे बड़ा लॉस यही है अनएम्प्लॉयमेंट, बाकी चीजों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स हैव द फॉलोइंग रीजंस। तो कुछ रीजन से ही कंप्यूटर क्या करते हैं, कंप्यूटर में लिमिटेशन है। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन सेंस। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक फॉर इटसेल्फ। तो
तो इसके पास कॉमन सेंस की कमी होती है, ये खुद से किसी वर्क पे कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके पास खुद से कोई थिंकिंग नहीं होती। इट हैज नो सेल्फ इंटेलिजेंस, ना ही उसके पास खुद का कोई इंटेलिजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी विदाउट ब्रेन। इट मींस मेमोरी तो इसके पास होती है लेकिन ब्रेन नहीं होता। लेकिन फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को। कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा इन इट्स मेमोरी। तो कंप्यूटर किसी डेटा को कहाँ स्टोर करता है? अपने मेमोरी में स्टोर करेगा। हाउ एवर इट रॉन्ग इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड इट डज नॉट हैव ब्रेन टू करेक्ट द रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। मान लीजिए कभी क्या होता है, आप कुछ गलत इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, तो ये क्या होता है, आपके उस इंस्ट्रक्शन को ये करेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास खुद की कोई थिंकिंग, खुद का कोई ब्रेन नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है स्लेवरी। अ कंप्यूटर इज स्लेव, इट कैन नॉट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम बाय इटसेल्फ। तो कंप्यूटर के पास जब खुद का कोई ब्रेन नहीं है, खुद का कोई सेंस नहीं है, तो वो किसी भी प्रोग्राम को खुद से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। वो जितने वर्क को परफॉर्म करेगा, जितने स्टेप भी चलेगा, वो कंप्लीटली उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे ही किसी वर्क को परफॉर्म कर सकता है। इट रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड जनरेट इंफॉर्मेशन। तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ती है? इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। उसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे वो आपको क्या करता है, उस डेटा पे क्या करता है, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अब वो कैलकुलेशन इंस्ट्रक्शन के बेस पे होता है। फिर लास्ट में जब डेटा क्या होता है, परफॉर्म हो जाता है, तो वही डेटा किस फॉर्म में आ जाता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर जनरेशन की। तो डायरेक्टली हम लोग यहां तक नहीं पहुंचे, हम लोगों ने इस स्टेप पे पहुंचा भी है तो एक स्टेप को फॉलो करते हुए। तो जब जनरेशन की बात आएगी, स्टार्ट होता है कहां से, फर्स्ट जनरेशन से। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है 1940 टू 1956, यहां से लेके यहां तक के टाइम ड्यूरेशन में जो भी वर्क हुआ है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ही हुआ है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए तो दो ही चीजें होती हैं किसी कंप्यूटर में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब कुछ भी कैटेगराइज करते हैं तो हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बेस पे ही करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे हम लोग हार्डवेयर में, उसमें क्या है उस पर बात कर लेते हैं। तो इट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज द बेसिक कंपोनेंट फॉर मेमोरी एंड सर्किटरी फॉर सीपीयू। तो जो हम लोग यहाँ पे बात की जा रही है सर्किटरी फॉर सीपीयू में, जिसको यूज कर रहे थे बेसिक कंपोनेंट में, उसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। अब बात करें अगर वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, तो आप 100 वॉट वाले बल्ब को तो देखे होंगे, तो वहां पे एक ट्यूब जो लगा रहता है, फिर उस पे लगी हुई जो स्प्रिंग रहती है, उस स्प्रिंग को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। और वो जो स्प्रिंग जिस ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है, कुछ उसी तरह स्ट्रक्चर रहता है वैक्यूम ट्यूब का। तो फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में क्या यूज कर रहे थे हम लोग, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट है इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट। तो जो इनपुट मिलता था, जो इनपुट उसको एक्सेप्ट करता था, वो पंच कार्ड के थ्रू करता था। जैसे अगर आज के जनरेशन की बात की जाए, तो आज हम लोग इनपुट कई सारे मीडियम से कर लेते हैं, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। तो जो फर्स्ट जनरेशन में इनपुट किया जा रहा था वो किससे किया जा रहा था, पंच कार्ड से। एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेड ऑन प्रिंट आउट। और आउटपुट आपको कहाँ पे दिखता था, प्रिंट प्रिंट आउट पे दिखता था। इट मीन जिस टाइप पे आप कुछ इनपुट कर रहे हैं वो नहीं दिखेगा, वो फाइनली आपके पास तब कब मिलेगा, जब वो प्रिंट होके आपके सामने रिप्रेजेंट होगा। बात करें अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में हम लोग जानते हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं इस बारे में, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी सॉफ्टवेयर में। तो सारी चीजें क्या थी, वहां पे लो लेवल लैंग्वेज में ही लिखी जाती थी। तो द इंस्ट्रक्शन वर रिटन इन मशीन लैंग्वेज एंड इट यूज 0 and 1 फॉर कोडिंग। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हम लोग किस लैंग्वेज में लिखते थे, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये जो 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यूनिवैक और ईनियैक, इसका फुल फॉर्म भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर
यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है, एंड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये इनियक का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर की पिक्चर भी दिख रही होगी, ये कंप्यूटर की पिक्चर जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की है। आइए बात करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट है बल्की साइज। इट मीन्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो साइज होता था वो काफी बड़ा होता था, ऐसे समझ लीजिए कि पूरे एक हॉल के बराबर होता था। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूम ट्यूब यूज एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हम लोग क्या यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूसेस सो मच हीट। तो वो क्या यूज क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब को यूज करने से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस सॉरी वो वहां पे क्या होता था ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, और जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होना कॉमन है, और जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी, एसी की रिक्वायरमेंट भी थी। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग स्पीड वेरी स्लो। तो प्रोसेसिंग स्पीड भी काफी स्लो हुआ करती थी, जो कि 2 KB/s टू 200 KB/s होती थी। नेक्स्ट है तो कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहे थे, लो लेवल लैंग्वेज जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है, एक्यूरेसी भी काफी लो हुआ करती थी। नेक्स्ट है तो स्टोरेज में हम लोग किसको यूज करते थे, मैग्नेटिक ड्रम में, मतलब जहां पे डेटा स्टोर किया जाता था वहां पे क्या होता था मैग्नेटिक ड्रम का ड्रम जैसा स्ट्रक्चर होता था, वहां पे हम किसी डेटा को स्टोर करते थे। अब मैग्नेटिक ड्रम की बात की जाए तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और जो सिलेंड्रिकल या ड्रम साइज ड्रम शेप का जो स्ट्रक्चर होगा वहां पे क्या होगा, कोई डेटा जो पहले आप रखोगे वो सबसे नीचे चला जाएगा, उसके बाद वाला उसके ऊपर, फिर उसके बाद वाला उसके ऊपर। इट मीन्स सबसे लास्ट में जो डेटा आप रखोगे वो कहाँ पे होगा, सबसे टॉप पे होगा। अब मान लीजिए बीच से किसी डेटा को क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा, तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी उस डेटा को एक्सेस करने में। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की क्लासेस आपको समझ में आई होंगी। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।